तो वही आज यूपी के विधानसभा चुनाव के प्रचार का भी आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सातवें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के खजूरी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद महमूरगंज में प्रधानमंत्री प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और दोपहर के बाद प्रधानमंत्री वापस नई दिल्ली लौट जाएंगे। प्रियंका गांधी इस दौरान जौनपुर में रोड शो करेंगी। तो वही पूर्वांचल की सबसे चर्चित मल्हनी विधानसभा में अमित शाह और अखिलेश यादव की रैलियां रहेंगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तहत अपने अंतिम छोर तक चुनाव पहुंच गया है। सातवें चुनाव के चरण से पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सभी दिग्गज इस रण में चुनाव प्रचार में उतरेंगे। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी दुर्गेश यादव ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, देखिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से अगुवाई कर रही है इस पूरे चुनाव की, आज भी उनकी कई जनसभाएं और रैलियां वाराणसी में। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कांटे की टक्कर दे रही है। किस तरीके का आज दिन रहेगा प्रचार का शोर थमने से पहले? मतदान है 54 सीटों पर, जो पूर्वांचल का है वो मतदान आज शाम 6 बजे तक थम जाएगा। बात की जाए पूर्वांचल की तो लगातार पूर्वांचल में प्रधानमंत्री भी दौरा कर रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में भी दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो किए, एक तरफ अखिलेश यादव रोड शो किए तो एक तरफ प्रियंका गांधी भी रोड शो किए। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है, बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है काफी, क्योंकि यहाँ से पूर्वांचल की हर सीट उत्तर प्रदेश जो लखनऊ जाती है, लखनऊ से सीधे दिल्ली जाती है, तो इस बार बहुत अहम माना जा रहा है। जो 2017 में बीजेपी सरकार ने दोहराया था, पूर्व बहुमत से लाया था, वही इस बार फिर इतिहास दोहराना चाहती है, कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो वहीं पर विपक्ष समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि जिस तरह से उनको पिछले 2017 में मात मिली थी वो भी अब ये नहीं छोड़ना चाहती है। अगर बात की जाए काशी तो काशी इस समय जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है गढ़ माना जाता है, यहाँ से भी लोग सीधे यहाँ पे टक्कर जबरदस्त दे रहे हैं, विपक्ष भी टक्कर दे रहा है, प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव को लेकर लगे हैं। अगर जो जिस तरह से रोड शो किए प्रधानमंत्री, जनता जिस तरह से उनका स्वागत की, उसी के तर्ज पे उसके एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया था, जो कि वहां से रामनगर से रोड शो किया था या चितईपुर तक किया था, और प्रधानमंत्री कल 3.5 किलोमीटर यहाँ माल्यार्पण करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ से माल्यार्पण करने के बाद सीधे मदन मोहन मालवीय गए थे, बीच में बाबा दर्शन किए। ऐसे में उसी की तर्ज पे मैं आपको बता दूं कि 8 बजे से अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया। अगर अखिलेश यादव भी कोई दमखम दिखाने में नहीं यहाँ पे कोई कसर छोड़ रहे हैं, अगर वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पे 4 सीटें बहुत हाट मानी जा रही है, सेवापुरी और कैंट। उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि कैंट के साथ साथ यहाँ पे शिवपुर है, जो कि ओम प्रकाश राजगढ़ भारतीय सुहेल देव पार्टी के है, उनका यहाँ पे चुनाव टिकट कंफर्म होना था लेकिन उनके बेटे का हो गया, जो कि वर्चस्व राजभर जो कि यहाँ पे खुद मंत्री कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अनिल राजभर, उनकी सीट यहाँ पे है, जबरदस्त टक्कर हो रही। कैंट की है जो पूजा यादव है समाजवादी पार्टी जो गठबंधन से है, उनके सामने है सौरभ श्रीवास्तव जो कि वर्तमान में विधायक है। अगर बात की जाए नीलकंठ तिवारी दक्षिणी से तो दक्षिणी भी एक खास सीट मानी जा रही है, क्योंकि खुद नीलकंठ तिवारी है, जो कि नीलकंठ तिवारी के सामने रवि किशन दीक्षित खड़े हैं, जो कि बहुत हार्ड सीट मानी जा रही है। और भी तमाम तरह से गठबंधन की जो सीटें हैं वो हार्ड मानी जा रही है। अगर आज प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री 10:30 बजे खजूरी जो राजा तालाब अंतर्गत होता है वहां जनसभा करेंगे। जनसभा करने के बाद वहां पे गुरु मंत्र भी देंगे, जो जिस तरह से वहां पे जनता जुटाई गई, जनता का वहां रैला लगा रहेगा, वहां पे जिस तरह से लोगों से अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, आप 2017 में जिस तरह से पूर्ण बहुमत से जीता थे उसी तरह इस बार भी 2017 में आप पूर्ण बहुमत से जीता है। उसके बाद से यहाँ महमूरगंज से सीधे वहाँ यहाँ आएंगे, प्रबुद्ध जनों से सम्मेलन करेंगे, उससे मिलेंगे, भेंट वार्ता करेंगे, उसके बाद तो उनको गुरु मंत्र भी देंगे। 2022 का चुनाव किस तरह से आप लोग तैयारी किए हैं, किस तरह से जिस तरह से चुनाव थम जाएगा
उसको लेकर ऐसे तमाम तरह से गुरु मंत्र देंगे। और एक तरफ अगर बात की जाए तो हमारा सटा हुआ जिला जौनपुर है, जौनपुर में आज जौनपुर जो सटा हुआ जिला है वहाँ पे अखिलेश यादव आज जनसभा को संबोधित करेंगे और वहाँ पे प्रियंका गांधी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की बात की जाए यहाँ पे तो कांग्रेस का जो हार्ट सीट यहाँ पे मानी जा रही है वो यहाँ पे पिंडरा विधानसभा मानी जा रही है। उनके सामने मैं आपको बता दूं कि उनके सामने अवधेश है जो बाहुबली रह चुके हैं यहाँ पे अजय राय, उनकी भी सीट हानि मानी जा रही है। और ऐसे तमाम सीटें हैं जो इस बात टक्कर में है, पूर्वांचल की टक्कर में है। आज जिस तरह से यहाँ पे जो चुनाव थमने वाला है ऐसे में कई जिला यहाँ पे है। मैं आपको जिलों के नाम बता दूं कि यहाँ पे आजमगढ़ है, वाराणसी है, मऊ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, ऐसे तमाम 54 सीटों पर आज मतदान आज चुनाव थम जाएगा। अब देखना है कि 7 तारीख को कितना बीजेपी हो या महागठबंधन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कितना अब इन लोगों ने दमखम दिखाया है, कितना इन लोगों की किस तरह से, अब तो 10 तारीख को ही पूर्ण बहुमत का पता चलेगा किसकी सरकार बनती है 2022 में। बिल्कुल, चलिए दुर्गेश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।